हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीरज पॉइंट। आज हम पढ़ेंगे ब्रिक फ्लोर। पिछले कई कक्षाओं में हम पढ़े थे आपका टेराजो का फर्श, मोजाइको का फर्श, कंक्रीट का फर्श, ग्लास का फर्श, मार्बल का फर्श। इतना खत्म होने के बाद आज हम पढ़ेंगे ब्रिक का फ्लोर। ब्रिक फ्लोर मतलब जो आपका फर्श रहेगा वहाँ हम किसको बिछाएंगे, अब ईंट को बिछाएंगे, है ना। तो देखिएगा, ईंट को बिछाने के लिए हम सिंपल सा आपको समझाने के लिए आपके सामने एक फिगर दिख रहा होगा, है ना। देखिए ये रोड बना हुआ है, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, गांव में मैक्सिमम देखने को मिलता है, ये आपका खरंजा एक टाइप में है। क्या देख रहे हैं, इसको जब हम प्लान से देखेंगे सेम इसी को बनाना है आपका। देखिए ब्रिक का है तो जमीन पे बिछाया गया है ना, कई फिगर होंगे आपके। देखिएगा अब क्या करते हैं, देखिए किनारे किनारे ईंट को बांधने के लिए आपको ऐसा दिख रहा होगा, है ना। देखिए कैसा मिलेगा आपको, ऐसा मिलेगा। देखिए ये ईंट हो गया, है ना। अब देखिए उसके बाद ऐसा मिलेगा, ये क्या किए बांध दिए, ईंट को बिछा दिए हैं, है ना। एक कंटिन्यूअस है, अब समझ पा रहे होंगे रोड है तो बहुत दूर तक जाएगा, हमको नहीं लेगा देना। इसकी चौड़ाई फिक्स होती है, एग्जाम में देगा, हम क्वेश्चन करेंगे तभी समझ आएगा। अब ये जो बीच में बनाना, इस बीच में ही हमको भरने का तरीका आना चाहिए। तो ब्रिक फ्लोर हमका हमारा आज का टॉपिक है। क्या टॉपिक है आपका, ब्रिक फ्लोर, है ना। तो ब्रिक फ्लोर कितने प्रकार से हमको पढ़ना है, दो प्रकार से। एक पढ़ना है डायगोनल बांड, क्या डायगोनल बांड, और दूसरा पढ़ना है हमको हेयरिंग बांड। ब्रिक फ्लोर में दो तरह का बांड पढ़ना है, डायगोनल बांड और हेयरिंग बांड। आज हम क्या पढ़ेंगे, डायगोनल बांड, उसके बाद क्या पढ़ेंगे, हेयरिंग बांड। तो डायगोनल बांड या फिर हेयरिंग बांड, है ना। अब देखिए इसी के अंदर हम जब क्या होता है, इसी के अंदर भरने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, मतलब कि बॉन्ड कहते हैं। अब इसके अंदर किस तरह भरना है, डायगोनल रहेगा डायगोनली भर देंगे, हेयरिंग रहेगा तो हेयरिंग टाइप में भर देंगे, है ना। लेकिन किनारे का दोनों में क्या रहेगा आपका, सेम रहेगा। चलिए हम क्वेश्चन को करते हैं, कह देगा ना, कह देगा क्वेश्चन देगा आपका, या फिर सिर्फ कह देगा डायगोनल बांड बनाइए, है ना, या फिर कह देगा हेयरिंग बांड बनाइए। लेकिन हम सिंपल सा क्वेश्चन ले रहे हैं समझने के लिए। कह देगा 75 सेंटीमीटर चौड़ाई के लिए, चौड़ाई के लिए डायगोनल बांड बनाइए। कौन सा बांड, डायगोनल बांड का प्लान बनाइए, बस सिंपल सा है। तो एक फिगर आपको दिख रहा होगा, या फिर चलिए उसको बताते हैं। तो चौड़ाई आपको फिक्स कर दिया, इसकी लंबाई नहीं फिक्स होती, लंबाई कितना भी हो सकता है, पूरे लंबाई में सेम तरह से बिछाते हैं, बस एक आपको चौड़ाई दे देगा, ठीक है। चौड़ाई भी नहीं देगा एग्जाम में, तो अंदाज से आप ले लीजिएगा। 75 है, 60 भी हो सकता है, 80 भी हो सकता है, 70 भी हो सकता है ना। उसको हम अगले टॉपिक में करेंगे, जब हियरिंग पढ़ाएंगे। आज हम पढ़ेंगे डायगोनल बांड। अब समझिएगा स्केल सबको पता है ना, स्केल क्या है आपका, 10 सेंटीमीटर को हम कितना माने हैं, 1 सेंटीमीटर, है ना। अब देखिएगा सबसे पहले कितना लंबा लाइन खींचेंगे हम, 75 सेंटीमीटर, कितना खींच दिए, 75 सेंटीमीटर, ठीक है। अब समझिएगा ये लंबाई कितना है, आपको पता है इसकी लंबाई फिक्स नहीं है, जितना मन करो उतना ले लीजिएगा, न ज़्यादा बड़ा लेना है न ज़्यादा छोटा लेना है। बड़ा ले लेंगे तब भी अच्छा नहीं लगेगा, छोटा ले लेंगे तब भी अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है, पैक कर देना है। उसके बाद देखिए ईंट का साइज कितना होता है, देखिए तो ईंट का साइज कितना होता है, यही है ना, ठीक है, यही आपका ब्रिक हो जाएगा। ये कितना होता है आपका, 20 यानी 19 सेंटीमीटर, है ना, 19 हो जाएगा। ये चौड़ाई कितना होता है, चौड़ाई होता है आपका 9 सेंटीमीटर, और ऊंचाई भी कितना होता है आपका, 9 सेंटीमीटर। और देखिए ऊपर से देखेंगे तो क्या दिखाई देगा, 19 का और 9 का, 19 बनाने में 19 का और 9 का, जिसको हम ले लेते हैं 20, 9 को ले लेते हैं 10, यानी 20 में 10 का नॉमिनल साइज क्या होता है, ये तो स्टैंडर्ड है ना। तो ईंटों के बीच में कुछ गैप भी तो रहता है, तो हम इसको जरूरी 10 सेंटीमीटर ले लेते हैं, तो 20 × 10 का। ऊपर से देखेंगे, देखिएगा कितना हम लाइन खींचेंगे, 10 सेंटीमीटर का, कितने का खींच दिए हम, 10 सेंटीमीटर का, है ना, कितने का, 10 सेंटीमीटर का। ये चौड़ा, ठीक है, चौड़ाई कितना, 10। उसके बाद इसमें 20 सेंटीमीटर का क्या बना देंगे हम, ईंट बना देंगे। इसको और लंबा चौड़ा बना सकते हैं, आपको पता है ना, इस लंबाई चौड़ाई में कोई वो नहीं है, क्या किया, 20 सेंटीमीटर का हम क्या बना दिया, ईंट बना दिया, ठीक है। एक किनारे पर जहाँ आएगा वहीं क्या करेंगे, इसको हम कंटिन्यूअस कर देंगे। कंटिन्यूअस कैसे होता है, देखिए इधर खींच देंगे, इधर इनको क्या करेंगे, हम मिला देंगे, सेम इसी के सामने इधर भी आ जाएगा 20 सेंटीमीटर का, है ना, ठीक है। ये क्या हो गया आपका बाहर का, जो हम ईंट पैक करना है। उसके बाद इधर भी चल देंगे, है ना, इधर भी कितना हो जाएगा, देखिएगा 75 सेंटीमीटर है, तो पहले हम क्या लगाएंगे, क्लीन क्लोजर लगाएंगे, ठीक है। क्लीन क्लोजर को हम लगा रहे हैं आपके रेड वाले से, ठीक है।
या नीले वाले से लगाते हैं, एक क्या हो गया आपका क्वीन क्लोजर, देखिएगा एक क्या हो गया आपका क्वीन क्लोजर, उसको क्या कर देना हैचिंग कर देना कि लगे हाँ क्वीन क्लोजर है। उसके बाद क्या हो जाएगा आपका ये दद्दा, क्वीन क्लोजर के बारे में हम आपको बता दे रहे हैं, ठीक है ना। 75 सेंटीमीटर का है तो देखिएगा ये चौड़ाई कितना दिख रहा है, 20-20 का है ना चौड़ाई, देखिए 20 का, ये कितने का है 10 10 10 10 10 है ना, तो कितना ईंटें लगेगी, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 यानी ये कितने का है 70 हो गया, और ये क्या हो गया 5 का है ना। क्वीन क्लोजर क्या होता है देखिए हम बता रहे हैं, ये जो ईंट है ना आपको पता है, एक बार जो जिसको नहीं पता वो समझ लें, क्वीन क्लोजर क्या है आपका, ये आपका ब्रिक है ना, इसको क्या किए हम कहाँ से काट देंगे, बीच से काट देंगे, यहीं से क्या किए इसको हम काट देंगे, तो ये दो क्या बन जाएंगे इसमें क्वीन क्लोजर, एक एक क्वीन क्लोजर बन जाएगा है ना, और एक इधर का क्वीन क्लोजर बन जाएगा, इसमें कितने क्वीन क्लोजर बन गए 2 क्वीन क्लोजर है ना। तो क्वीन क्लोजर पता चला आपको, लंबाई क्या रहेगा सेम रहेगा, लंबाई 19 ही रहेगा, मोटाई भी कितना रहेगा सेम रहेगा 10 ही रहेगा, यानी ये 20 रहेगा ये 10 रहेगा, लेकिन मोटाई चौड़ाई क्या हो जाती है चेंज हो जाती है, इसकी ये हो जाएगा 10 का आधा 5 और ये हो जाएगा आपका 10 का आधा 5, इसी को क्या किया है 20 से काट करके क्वीन क्लोजर को यहाँ क्या किया लगा दिए। अब समझिएगा अब यहाँ जाएंगे यहीं से हम 45 अंश खींच देंगे, ठीक है एकदम फालतू लाइन खींचना है, यहीं से 45 अंश देखिए जहाँ भी आए इसके बीच से एकदम कितने अंश पर खींचना है 45, क्योंकि ये तो 90 है ना, देखिए ये दोनों 90 है, लेकिन यहाँ से 45 अंश पर क्या करना है एक लाइन खींच दे एकदम हल्की लाइन, बस आपको दिखना चाहिए लाइन और किसी को नहीं दिखना चाहिए, ठीक है। उसके बाद 45 अंश खींचे, एम डी को वैसे फिक्स रखिएगा, ठीक है 45 अंश पर खींचे एम डी को वैसे रखना है। उसके बाद यहाँ से देखिए यहाँ से 10 10 सेंटीमीटर पर क्या लगा देना आपको ट्रिक लगा देना, कितने सेंटीमीटर पर 10 10 सेंटीमीटर पर, देखिए लग गया ना, ये जहाँ मिले उससे बहस रही है, ठीक है सबसे पहले 45 अंश, उसके बाद 10 10 सेंटीमीटर पर, और ये 45 अंश वाले जो लाइन खींचे हैं एकदम हल्का लाइन चाहिए, ठीक है हम कह रहे हैं बस आपको दिखे किसी और को नहीं दिखना चाहिए, एकदम हल्का लाइन, ठीक है। अब क्या करेंगे देखिए ये लाइन से ना जो लाइन खींचे थे 45 से वहाँ से ये ना एम डी आप रखे रहेंगे, एम डी से 45 अंश खींच देंगे, उसी एम डी से क्या करेंगे ऐसा मिला देंगे, देखिए क्या किया ऐसा ये जहाँ जहाँ 10 10 सेंटीमीटर वाला कटा है ना क्या करेंगे इसको हम मिला देंगे, इसका जो बच्चे का बना देगा बात को समझे। देखिए कैसे बनाए हैं, सबसे पहले बाहर का आउटर बना देंगे है ना, सबसे पहले बाहर का आउटर, ठीक है उसके बाद यहाँ से 45 अंश, ठीक है। अब एम डी को वैसे 45 अंश पर खींच करके फिक्स करके यहाँ से 10 10 सेंटीमीटर पर, इसके बीच की दूरी कितनी है 10 10 सेंटीमीटर पर, 10 10 10 10 10, ठीक है। अब देखिएगा अब क्या करेंगे हम इसमें है ना, और अंदर ये बस मिटा देंगे, इसलिए हम कह रहे थे बहुत हल्का लाइन होना चाहिए। अब क्या होगा इसके बाद, इसके बाद यहाँ खींचेंगे एक लाइन, ठीक है उसी एम डी को हिलाना नहीं है, एम डी सेम सेम रहेगा, जैसे आप शुरू शुरू में ये वाला लाइन खींचे थे ना, ये वाला लाइन जैसे ए वाला लाइन खींचे उसी एम डी से ए वाला भी खींचेंगे, अभी एम डी वैसे ही रहेगा, ठीक है एम डी नहीं हिलाना। अब क्या किए देखिए ईट का साइज 20 है तो यहाँ से कितना जाएंगे हम 10 इधर जाएंगे, यहाँ से 10 हम इधर जाएंगे, ठीक है। अब क्या किया समझिएगा हम ना ए वाला लाइन खींचे ना तो एक एक छोड़ करके आप लाइन खींच दीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ से कितना इधर जाएंगे मतलब कि समझिए 20 का चाहिए ना, यहाँ से आप 20 जा सकते हैं, यहाँ से डायरेक्ट 20 स्केल पर चेंज करेंगे 2 सेंटीमीटर है ना, तो यहाँ से 20 सेंटीमीटर जाइए, यहाँ से 20 सेंटीमीटर जाइए, जहाँ भी कट है ठीक है वो नहीं है उसका, देखिए फिर कट है इसको एकांतर छोड़ छोड़ के बना दीजिए, यहाँ नहीं मिल रहा छोड़ दीजिए 20 देखिए है ना बन जाएगा है। अब देखिए उसके बाद देखिए है ना ए वाला लाइन दिख रहा है, यहाँ से दोनों के बीच 20 है, देखिए यहाँ से एकांतर है ना, इसको लाइन को ये है ना इससे दिखे एक एक छोड़ कर, फिर इसको पकड़ेंगे एक एक छोड़ करके, यानी 20 20 सेंटीमीटर का क्या मिला है लंबाई मिला है, और चौड़ाई तो 10 10 का पहले था ही। अब देखिए यहाँ से कितना इधर आएंगे 20 मान लेते हैं, यहीं कट कर दिया छोड़ देंगे है ना, तो फिर देखिए यहाँ से कितना अब ऐसा ही भर सकते हैं, यहाँ से कितना देंगे आप 20 देखिए छोड़ दीजिए, यहाँ से कितना देंगे आप 20 जाएंगे है ना, तो यहाँ से कितना देंगे 20 जाएंगे, आप ऐसा भी सिंपल भर सकते हैं, यहाँ से कितना देंगे 20, यहाँ से कितना देंगे 20, यानी कहीं से भी कितना देंगे आप 20, यहाँ से 20 ठीक है, यहाँ से 20, यहाँ से 20,
यहाँ से बेस है ना, हो गया आपका, यहाँ से बेस जाएंगे हमारे थोड़ा बढ़ेगा। अब देखिए, अब इसको आसानी से क्या बना सकते हैं, इसको बनाने कई तरीके हैं, देखिए है ना, हम सिर्फ बीच का बना रहे हैं। देखिए 45 सब्स खींच दिए, उसके बाद क्या किया, ए वाला लाइन खींच दिए है ना, 10 10 सेंटीमीटर पर। अब देखिए कुछ नहीं करना है ना, एक मिटा देंगे, ठीक है। अब देखिएगा लाइन खींचे, उसके बाद इधर 10 इधर 10, कितना मिला 20, ठीक है ना। अब देखिएगा यहाँ से इधर कितना आ जाएंगे हम, देखिए लाइन खींच दिए बस, यहाँ से 20, यहाँ से 20, क्योंकि 20 लंबाई चाहिए, फिर यहाँ से 20, यहाँ से 20, ठीक है। फिर क्या मिला, इसके समानांतर हो जाएगा यहाँ से 20, यहाँ से 20, है ना। तो देखिए डायगोनली सब दिख रहा है कि नहीं, सब आपको दिख रहा है डायगोनली, एक कितने का है 20 × 10 का, 20 × 10 का, 20 × 10 का, ठीक है। जिस हिसाब से भरे हैं उसी हिसाब से अंदर भरिएगा, ठीक है। तो देखिए इसी का अंदर का डायगोनली भरे तो इसका नाम हो गया डायगोनल बॉन्ड, अभी हम दूसरे टाइप में भर देंगे तो उसका नाम हो जाएगा हियरिंग बॉन्ड, है ना। और सेम बाहर का सेम रहेगा। अब क्या करेंगे 75 mm का, है ना, 75 cm लिख दीजिएगा, 75 cm, है ना। स्केल पर चेंज करना आता होगा, स्केल पर चेंज करना एक वीडियो बनाएंगे। एक आ जाएगा आपका क्वीन क्लोजर, क्या जाएगा आपका क्वीन क्लोजर, यहाँ से यहाँ कितना आ जाएगा आपका 20 cm, समझ रहे हैं, यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 10 cm। अंदर जो भरते हैं ना इसे कहते हैं हम लोग दी, मतलब हर्टिंग कहते हैं, एच ई ए आर टी आई आई एन जी, ये क्या हो गया आपका हर्टिंग हो गया, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ क्या लिखेंगे, डी आई ए जी ओ एन ए डायगोनल बॉन्ड, है ना, डायगोनल बॉन्ड, ठीक। अब देखिएगा बस आपको इसमें ज़्यादा फोकस किस पर करना है, भरने वाला ईंट को कैसे भरना है ना, सिंपल है, थोड़ा बहुत दिमाग लगाएंगे हो जाएंगे आराम से, नहीं डिस्टर्ब हो जाएंगे ना, फिर क्या हो जाएगा कि यहाँ खींचे ना, जैसे यहाँ खींचने के बाद एक यहाँ भी खींच देंगे तो पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा, एकदम तो प्यार से भरना है इसको, हड़बड़ाना नहीं है, ठीक है। तो ज़्यादा ज़्यादा आप लोग लाइक करिए, क्योंकि सेकेंड ईयर के आप लोग कम है ना। तो क्या है कि अगला वीडियो आएगा हियरिंग बॉन्ड, उसके बाद मिलेगा आपका सेमी सर्कल आर्च, दो तरह के सेगमेंटल आर्च मिलेंगे, फिर हम पढ़ेंगे बेसमेंट, आपका एग्जाम तक कंप्लीट कर देंगे। गुड लक।